हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रिपाक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी रश। मैं आपके लिए लेकर आई हूं टीवी की पांच बड़ी खबरें। एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने कुछ वक्त पहले अपने दूसरे पति अभिनव कोहली पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था, जिसके बाद काफी कुछ चीजें सामने आई थी। अब लगता है कि एक्ट्रेस की लाइफ में पहले से चीजें बेहतर हो गई हैं। श्वेता तिवारी ने अपनी खुशनुमा तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की है, जिसमें वो कॉफी के साथ बुक पढ़ने का मजा ले रही हैं। तस्वीर में जिस तरह से वो मुस्कुरा रही हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो पहले से काफी सही स्थिति में हैं। फैजल खान अपने फिक्शन शो चंद्रगुप्त मौर्य की शूटिंग कर रहे थे। उस समय वो सेट पर एक हादसे का शिकार हो गए, जिसके चलते उनके पैर में गंभीर चोट आई। अब उन्हें डॉक्टर ने कुछ वक्त के लिए आराम करने और 2 महीने तक डांस से दूर रहने की सलाह दी है। अगले 2 महीने तक डांस न कर पाने के चलते फैजल खान काफी उदास हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि डांस का महत्व उनकी जिंदगी में कितना है। ऐसे में उनका हौसला टेलीविजन के कई सितारों ने बांधा, जिसमें एक्ट्रेस मौनी रॉय और अनीता हंसंदानी शामिल रही। मौनी रॉय ने फैसल खान का हौसला बढ़ाते हुए लिखा, आराम करो और जल्दी से ठीक हो जाओ। आपके पास डांस करने के बहुत सारे अवसर आएंगे। आपको बहुत सारा प्यार। वहीं द कपिल शर्मा शो में सपना का किरदार भले ही कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक बेहतरीन तरीके से निभा रहे हैं, लेकिन कई लोग उनके किरदार की तुलना एक्टर सुनील ग्रोवर के किरदार गुत्थी से कर रहे हैं। इन सभी बातों पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कृष्णा अभिषेक ने कहा, आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन कोई भी अभी तक सपना की तुलना गुत्थी से नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि जब से तुम आए हो हम सुनील को भूल चुके हैं। मुझे ऐसे कॉम्प्लीमेंट कई बार मिल चुके हैं। सुनील एक बहुत ही अच्छे एक्टर है। मैं उन्हें एक बहुत अच्छे एक्टर के तौर पर देखता हूँ। उनका अपना एक स्टाइल है। इसके साथ ही कृष्णा अभिषेक ने आगे कहा, आप एक्टर अक्षय कुमार और गोविंदा को ही देख लीजिए। अक्षय कुमार अपनी एक अलग तरीके की कॉमेडी करते हैं और गोविंदा अपनी, लेकिन दोनों अपने अपने स्पेस में बेहतरीन हैं। मुझे लगता है कि सुनील का अपना स्टाइल है और उनका अपना किरदार सपना से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। शुरू में कोई भी उनके बारे में बात नहीं करता है। शुरुआत में लोगों ने ऐसा किया, लेकिन बाद में हमने इसे संभाल लिया। वही टीवी एक्टर अरुण मंडोला ने बिग बॉस 13 में भाग लेने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने सलमान खान के शो को नेगेटिव भी कह दिया। एक्टर ने कहा, मैं खुद को ऐसा करते हुए नहीं देख सकता। जब भी मैं बिग बॉस को देखता हूँ, मुझे बहुत नेगेटिव फील होने लगता है, क्योंकि मैं हर बार झगड़ा देखना पसंद नहीं करता। मेरा मानना है कि एक एक्टर इस तरीके की शो इसलिए करता है ताकि वो अच्छी पॉपुलैरिटी हासिल कर सके। लोग अक्सर बिग बॉस में सर्वाइव करने के लिए बहुत वायलेंट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, एक्टर ने आगे अपनी बात रखते हुए कहा, इस तरीके की रियलिटी शो में खुद के गुस्से पर कंट्रोल रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी कंटेस्टेंट अपनी रणनीति बनाकर आते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि किसी भी कीमत पर पब्लिसिटी पाना चाहते हैं, इसलिए वो दूसरों को उकसाते हैं और उस समय अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं रख पाते। हर दिन आपको लोगों से लड़ना पड़ता है। मैं आमतौर पर काफी शांत रहने वाला इंसान हूँ। वहीं भारतीय सिंह के शो खतरा 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 में धीरज धूपुर और श्रद्धा आर्य पहुंचेंगे, जहां वे गणेश चतुर्थी के अवसर पर धमाल मचाते हुए नजर आएंगे। एक्टर धीरज ने खुद शो के सेट से अपनी और श्रद्धा की तस्वीर शेयर की है, जिसमें दोनों काफी बेहतरीन लग रहे हैं। जहां एक्टर ने ग्रे सूट के साथ सफेद जूते पहने हुए हैं, वहीं एक्ट्रेस पिंक और ब्लू कलर की ट्रेडिशनल ड्रेस में बेहद ही खूबसूरत लग रही है। तो ये थी टीवी की पांच बड़ी खबरें। ऐसी ही बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल हिंदी रश।